मैंने नामांकन आज भर दिया है, क्योंकि मैं किसी पार्टी में नहीं जाना चाहता हूं। मैं निर्दलीय, मैंने स्वतंत्र अपना फार्म भी भरा हुआ है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार प्रदेश में सभी कारणों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके लिए मैं अब आप लोगों के सभी के सहयोग से उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। और पृथ्वीपुर नगर में जैसे पुस्तकालय का निर्माण होना चाहिए, पार्क का निर्माण हो, जिससे अपने बच्चे, बूढ़े लोग, सभी लोग सुबह शाम अपने घूमने जाएं, अपने शरीर का स्वास्थ्य रखें। और दूसरी बात, सब्जी विक्रेताओं की जो बाजार बैठ गई है, उसको मैं बंद कराने का प्रयास करूंगा। बाकी उसके द्वारा दूसरे मत से जो आमदनी होती है, उस पर अपन प्रयास करेंगे बढ़ाने का। और कृषि उपज मंडी एवं सब्जी मंडी प्रारंभ हो, ऐसी मैं मांग रखूंगा, आप समक्ष रखता हूँ ये मांग। और व्यापारी जो हमारे भाई हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके लिए भी मैं अपना प्रयास करूंगा कि उनके हित में जो भी कदम उठाए जाएंगे, मैं पूरा प्रयास करूंगा। मेन चीज तो भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है। अभी मैं अपने नोटिस बनवाने के लिए गया था, तो बहुत परेशान करते हैं ये अधिकारी लोग, किसी प्रकार से सहयोग नहीं करते हैं। तो मैं इस पर भी मैं विशेष ध्यान, और आप जो लोग पूछना चाहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो किसान भाई हैं, उनको वैसे तो खाद बीज अरे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहती है, लेकिन जब उनको खाद बीज का उपयोग का समय रहता है, तो उसी समय शॉर्टेज बना दी जाती है, तो वो बेचारे किसान लोग परेशान होते हैं। तो मैं इस पर सरकार से अपने ओर से ये मांग रखूंगा कि उनको भी समय पर खाद बीज उपलब्ध हो, और किसानों की समस्याओं को लेकर मैं खुद ही भ्रमण कर रहा हूँ काफी समय से, पिछले 6 माह से जा रहा हूँ यह क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो जनता का काफी सहयोग मिल रहा है, और हमसे वो विशेष आग्रह निवेदन करते हैं कि आप बिल्कुल चुनाव लड़ें, हम आपके साथ हैं। इसलिए हम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मुझे भी अब समाज सेवा में आगे आना चाहिए।